हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे हैं KUK का अप्रैल 2015 का BA सेकेंड ईयर में फोर्थ सेमेस्टर का प्रोग्रामिंग इन सी का पेपर। इसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी होता है वो लास्ट लेक्चर में कवर किया था, जिसमें एक एक नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। आज हम कवर करेंगे यूनिट वन, जिसमें दो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आप एक क्वेश्चन कर सकते हो और एक छोड़ सकते हो। हम इस वीडियो में चारों एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको जो ईजी लगे वो आप कर सकें। इसके मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ ताकि इनमें से अगर छोटा क्वेश्चन आए या बड़ा क्वेश्चन आए तो भी आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब प्रोग्रामर्स मॉडल ऑफ कंप्यूटर। ये सारे दो मार्क्स के क्वेश्चन हैं, तो आंसर अपना लिखते समय आप उसी हिसाब से लिखिए। वीडियो में आपको पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे वो है डिस्क्राइब प्रोग्रामर्स मॉडल ऑफ अ कंप्यूटर। ये आपके फर्स्ट लेसन में से फर्स्ट ही यूनिट है। इसमें आपको बताना है कि कंपोनेंट्स क्या क्या हैं कंप्यूटर के। मॉडर्न मेन कंप्यूटर में तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोसेसर, मेमोरी और इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। प्रोसेसर कंप्यूटर के दिमाग की तरह काम करता है, जिसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, और इसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट में CPU कहा जाता है। CPU में दो मेन कंपोनेंट्स हैं, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इनके ऊपर कई वन वर्ड क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, जैसे मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कौन से हैं, या CPU का फुल फॉर्म क्या है, या ALU का फुल फॉर्म क्या है, या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो आप टॉपिक्स को इस तरीके से स्टडी कीजिए कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आसानी से आंसर कर सकें। तो अभी तक हमने देखा कि CPU प्रोसेसर कंप्यूटर का दिमाग होता है, और इसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो कंप्यूटर में जो भी प्रोसेसिंग करनी होती है, जो भी मेन काम करना होता है, वो प्रोसेसिंग के अंदर होता है। कंट्रोल यूनिट सारे कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने का काम करती है, और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट मैथमेटिकल और लॉजिकल कंपोनेंट्स कैलकुलेशंस प्रोसेस करती है। कंट्रोल यूनिट का काम होता है जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं उनके टाइमिंग को, सिग्नल्स को कंट्रोल करना। इसमें लॉजिक और टाइमिंग सर्किट्स होते हैं जो नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। इसे हम कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम कह सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी में हमारी नर्व्स होती हैं, नसें होती हैं जो सारी बॉडी को कंट्रोल करती हैं, वैसे ही कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट होती है जो कंप्यूटर के नर्वस सिस्टम की तरह काम करती है। द इंस्ट्रक्शंस विच इज इन सम फॉर्म ऑफ बाइनरी कोड इज देन डिकोडेड बाय द लॉजिकल सर्किटरी इन कंट्रोल यूनिट टू डिटरमाइन द प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल यूनिट देन सेंड्स वेरियस कंट्रोल सिग्नल्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट द स्पेसिफाइड ऑपरेशन। तो कंट्रोल यूनिट अपने सब जगह से इंफॉर्मेशन लेती है, और किसको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, कौन सी इंफॉर्मेशन किसे प्रोसेस करनी है, उसकी हेल्प से उसे ट्रांसफ़र करती है और प्रॉपर फॉर्मेट पे सेंड करती है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर आपके सामने है, जिसमें कंप्यूटर के सारे पार्ट्स शो किए हुए हैं। जो पहला पार्ट आप इसमें देखेंगे वो है प्रोसेसर, जिसके अंदर कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। एक तरफ हैं इसके इनपुट डिवाइसेस, जिसमें माउस, कीबोर्ड, स्कैनर ये सब चीज़ें आती हैं। दूसरी तरफ है आउटपुट डिवाइसेस, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, जिनसे आउटपुट किया जा सकता है। और फिर ऊपर की तरफ है मेमोरी, जो दो टाइप्स की है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी में है रैम और रोम। देखते हैं कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले आता है आपका इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस वो होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर इनपुट देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड या स्कैनर। इनसे आप कंप्यूटर के अंदर इनपुट देते हैं। यहाँ से जो भी इनपुट आता है वो पहले जाता है CPU के अंदर। CPU, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, ये बनी होती है कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट से। तो सबसे पहले जो इनपुट आया है वो कंट्रोल यूनिट के पास गया है। कंट्रोल यूनिट चेक करेगा कि इसके बाद इसे सिग्नल किसके पास ट्रांसफ़र करना है। अगर इसमें कुछ कैलकुलेशंस करनी है तो वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास भेजेगा। अगर कुछ मेमोरी से रेफरेंस लेना है तो मेमोरी सिस्टम के पास भेजेगा। और अगर आउटपुट की तरफ जाना है तो आउटपुट डिवाइस की तरफ भेजेगा। तो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाली यूनिट है आपकी कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर अगला कंपोनेंट है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इस टाइप की जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं वो अरिथमेटिक यूनिट करती हैं। और लॉजिक यूनिट, जो कंप्यूटर में आपको लॉजिक लगाने वाला काम होता है कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है, एंड और गेट्स हैं, तो लॉजिकल काम करने के लिए लॉजिक यूनिट होती है। तो CPU के अंदर है कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट ALU के पास सिग्नल ट्रांसफ़र करती है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट अपना पूरा प्रोसेसिंग करने के बाद वापस कंट्रोल यूनिट को अपना रिजल्ट सेंड कर देता है। फिर कंट्रोल यूनिट फिर से डिसाइड करती है कि उसे मेमोरी में जाना है या आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले करना है। मान लीजिए कंट्रोल यूनिट को सीधा आउटपुट डिस्प्ले करना है तो वो आउटपुट डिवाइसेस के पास जाएगी। आउटपुट डिवाइसेस का मतलब है वो सारे डिवाइसेस जो कंप्यूटर के अंदर
डिस्प्ले करने के लिए, रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर है, तो इनको हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। इसके बाद अगर कंप्यूटर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्टोर की हुई हैं, उसको रेफरेंस करना ज़रूरी है, तो उसके लिए मेमोरी सिस्टम यूज़ होता है। जैसे हमारे माइंड में मेमोरी होती है जिसमें हम चीज़ों को याद करके रखते हैं, वैसे ही कंप्यूटर के पास भी मेमोरी सिस्टम होता है जहाँ डेटा स्टोर होके रहता है। मेमोरी के दो टाइप्स हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के भी दो कंपोनेंट्स हैं, रैम एंड रोम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। पहले हम पढ़ते हैं रीड ओनली मेमोरी का क्या मतलब होता है। रीड ओनली मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसे सिर्फ पढ़ा जा सकता है, जिसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो जब कंप्यूटर बन रहे होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम सीपीयू बनते हैं, उसी टाइम उनके अंदर प्राइमरी मेमोरी इंस्टॉल कर दी जाती है। इनके अंदर रोम का मतलब है वो मेमोरी जो कंप्यूटर में कभी भी चेंज नहीं होगी, और दूसरी है रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कंप्यूटर की स्पीड को, उसके एफिशिएंसी को बढ़ाने में हेल्प करती है, क्योंकि इसके अंदर जो एक्सेस मेथड होता है वो रैंडम होता है। एक तरीका, इसमें दो वर्ड्स आएंगे, रैंडम और सीक्वेंशियल। सीक्वेंस का मतलब होता है कि वन बाय वन आपको सीरीज में ही चलना है। जैसे हम यहाँ देखें तो इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस से पहले कंट्रोल यूनिट जाएगा, फिर आउटपुट डिवाइस जाएगा, यह है एक सीरीज। आप बुक पढ़ते हो तो पहले फर्स्ट लेसन पढ़ोगे, फिर सेकंड पढ़ोगे, फिर थर्ड पढ़ोगे, वो है सीक्वेंशियल मेथड या सीरियल मेथड। लेकिन रैंडम एक्सेस मेमोरी में रैंडम एक्सेस होती है कि अगर आपको सीधा टेंथ लेसन पढ़ना है तो आप सीधे टेंथ लेसन पर जाओगे, फोर्थ लेसन पढ़ना है तो फोर्थ लेसन पर जाओगे। तो ये कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए रैंडम एक्सेस मेमोरी रैंडम मेथड यूज़ करती है, इसलिए कंप्यूटर की स्पीड बढ़ती है। तो प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट्स हैं, रैम एंड रोम। रैम की लिमिटेशन है कि ये वॉलेटाइल होती है, वॉलेटाइल मतलब उड़ जाती है। जैसे कंप्यूटर बंद होगा या फिर मेमोरी में सेविंग नहीं होगी तो ये रैम का डेटा जो है वो ख़त्म हो जाता है, जबकि रोम जो है वो वॉलेटाइल नहीं होती, ये परमानेंट मेमोरी है। कंप्यूटर सिस्टम ऑफ हो, ऑन हो, इसका डेटा कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो रोम का यूज़ होता है जब कंप्यूटर स्टार्ट अप करते हो तो उस समय बूटअप प्रोसेस होता है। बूटअप का मतलब होता है कंप्यूटर स्टार्ट करना, तो बूटअप के टाइम पे रोम मेमोरी यूज़ होती है, जिससे हमें पता चलता है, कंप्यूटर सिस्टम को पता चलता है कि किस किस तरीके से उसे प्रोसेसिंग करनी है। और रैम मेमोरी कंप्यूटर का रीड राइट मेमोरी है, जिसमें डेटा रीड और राइट किया जा सकता है, इसके कंटेंट्स को चेंज कर सकते हैं, और ये वॉलेटाइल होती है। इसके बाद है सेकेंडरी मेमोरी। ये मेमोरी ऑप्शनल मेमोरी होती है, अगर आपको चाहिए कि कंप्यूटर के अंदर ज़्यादा डेटा स्टोर हो सके तो उसके लिए हम सेकेंडरी मेमोरी यूज़ करते हैं, जैसे हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, फ्लैश ड्राइव्स हैं, ये सेकेंडरी मेमोरी होती है। अगर हम ह्यूमन बॉडी से कंपेयर करें तो हमारी मेमोरी सिस्टम या हमारे दिमाग की तरह ही, हमारे याददाश्त की तरह ही मेमोरी सिस्टम है। जैसे हमारा नाम है, हमारे पेरेंट्स का नाम है, हमारी डेट ऑफ बर्थ है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा हमारे दिमाग में सेट रहती हैं, तो वो है प्राइमरी मेमोरी। उसकी जगह दूसरा ऑप्शन है सेकेंडरी मेमोरी का, जहाँ पर सब चीज़ें फिक्स नहीं हैं, चेंजेस होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका फ्रेंड सर्कल है, या फिर आपके कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जो आप फोटोग्राफ्स के थ्रू सेव करके रखते हो, तो वो ऑप्शनल मेमोरी है। अगर वो डिलीट भी हो जाती हैं तो उससे आपकी लाइफ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन प्राइमरी मेमोरी में ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए लाइफ सेविंग है, जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंदर तीन मेन पार्ट्स हैं, इनपुट डिवाइसेस, सीपीयू एंड आउटपुट डिवाइसेस, प्लस मेमोरी सिस्टम। तो अगर आप, तो ये हमने प्रोग्रामर्स मॉडल ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिया है। इस वीडियो को पॉज करके आप ये आगे के टॉपिक स्टडी कर लीजिए डिटेल में इनके बारे में, ताकि एक एक अगर शॉर्ट फॉर्म के क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आप उनको आंसर कर सकें। जैसे रैम का फुल फॉर्म क्या है, रोम का फुल फॉर्म क्या है, या दोनों में क्या डिफरेंस है, सेकेंडरी मेमोरी में क्या चीज़ें आती हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स क्या हैं, और कंप्यूटर की वर्किंग किस तरीके से होती है। तो वर्किंग में आप देखिए, एक टर्म है प्रोग्राम, व्हाट इज़ प्रोग्राम भी कई बार पूछ सकते हैं। तो प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, और वर्किंग में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरीके से इनपुट दिया जाता है, कैसे प्रोसेसिंग होती है, और कैसे आउटपुट रिटर्न किया जाता है। थैंक यू।